अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है कि पेंटर हैं और ये मिस्री हैं, मतलब इंडियन नहीं हैं। तो मैं इनसे पूछ के बताता हूँ कितनी सैलरी मिलती है कुवैत में, और कुवैत में दोस्तों पेंटर की कितनी सैलरी है, तो मैं पूछ के बताता हूँ इनसे। दोस्तों कुवैत में पेंटर की कितनी सैलरी है, अगर बाहर आते हैं यानी आज़ाद वीजा पे काम करते हैं तो एक महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं, अगर कंपनी में आते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी, अगर हेल्पर में हैं आते हैं कंपनी में तो कितनी सैलरी मिलेगी, कितने घंटा काम करने पड़ेगा साथ में, और कंपनी से क्या क्या इनको मिलेगा, जैसे कि आने जाने का गाड़ी मिलेगी, रूम मिलेगा, खाना मिलेगा, प्लस ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, सारी बात दोस्तों इसमें हम करेंगे। कुवैत में पेंटर की लाइफ क्या होती है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अगर कंपनी में आते हैं हेल्पर में फ्रेश टाइम, तो उनकी सैलरी दोस्तों है 110 दिनार से लेकर 130 दिनार तक। रूम दोस्तों कंपनी का रहेगा, आने जाने का जो गाड़ी देगी वो कंपनी का रहेगा, कुछ कंपनी जो है राशन देती हैं, कुछ कंपनी राशन नहीं देती हैं। तो ये तो रही बात हेल्पर की दोस्तों, अगर फुल कारीगर है, फुल एक्सपीरियंस आता है तो इनकी सैलरी 120 दिनार से लेकर 200 दिनार तक मिलती है। ये है दोस्तों कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से सैलरी मिलती है कंपनी में। इसमें दोस्तों कंपनी का वीज़ा रहेगा, यानी ये कामा कंपनी लगा के देगी, आने जाने का जो है जहाँ से जैसे रूम है वहाँ से काम करने जाते हैं उसका खर्चा जो है कंपनी का रहेगा, राशन कंपनी देगी, रूम कंपनी देगी। अगर दोस्तों ये किसी अरबी के पास आते हैं काम करने, जैसे कि यहाँ पर अरबी बुलाते हैं काम करने के लिए, तो आपको अगर हेल्पर हैं तब भी वो कारीगर में बुलाएंगे और सैलरी आपको 110 दिनार 120 दिनार तक मिल देंगे, फिर आप चाहे कारीगर हों या हेल्पर हों इतनी सैलरी मिलेगी। खाना पीना रूम सब कपिल का रहेगा। अगर दोस्तों आप आज़ाद वीजा पे आते हैं बाहर काम करने, तो इसमें क्या आपकी सैलरी मिलेगी, सैलरी की दोस्तों इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप जितना कमाएंगे वो आपका है, तो सैलरी तो इसमें है नहीं। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं खर्चा कितना आता है। खर्चा दोस्तों इसमें रूम आपका रहेगा, राशन आपका रहेगा, आने जाने का किराया जो है आपका रहेगा, इकामा भी आपका रहेगा, टोटली खर्चा अपना रहेगा। और इसमें जो है दोस्तों डेली के जो है 12 दिनार से लेकर 15 दिनार तक मिलता है दोस्तों। जैसे कि कोई हेल्पर है काम कम जानता है तो उसको ठेकेदार देगा 12 दिनार 13 दिनार, जिसको अच्छा काम आता है, अच्छा पेंटर है, उसको जो है 15 दिनार मिलेगा। तो इतनी सैलरी दोस्तों मिलती है कुवैत में कंपनी में 120 दिनार से लेकर 180 दिनार 200 दिनार तक मिलता है। अगर आप आज़ाद वीजा में आते हैं तो आपकी सैलरी से मतलब नहीं है, आपकी जो है डेली के पर डे 12 दिनार से लेकर 15 दिनार तक कमा सकते हैं डेली के, इसमें टोटल खर्चा अपना रह जाए। अगर आप किसी अरबी के पास आते हैं तो 110 दिनार 120 दिनार तक आपकी सैलरी मिलेगी दोस्तों।